शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। रामपुर थाने में 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें आधे ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थे। दो रोज पूर्व रामपुर थाने का SHO और थाने का MSC कोरोना पॉजिटिव आया था। उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रामपुर थाने के 12 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट रामपुर में किया गया, जिनमें से 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उधर रामपुर के पूर्व नगर परिषद एवं वर्तमान व्यापार मंडलाध्यक्ष व उनके पिता कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान लोगों की जरूरतों से अधिक जुड़े होने के कारण रामपुर में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक ड्यूटी से जुड़े पुलिस कोरोना पाए जाने पर कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। वहीं पुलिस थाना रामपुर में नौजवानों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस सहायता के लिए संपर्क नंबर 01782-23-4677 पुलिस की ओर से जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि दो रोज पहले रामपुर विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद 48 घंटे के लिए बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ अधिशांशी अभियंता, सहायक अधिशांशी अभियंता के कार्यालय को भी सील कर दिया गया था। BMO रामपुर राकेश नेगी ने बताया कि दो दिन पहले SHO रामपुर व एक अन्य जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 12 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए और उनमें से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि इन जवानों को COVID-19 केयर सेंटर ज्यूरी शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामपुर शहर के दुकानदार बाप बेटे भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके पूरे परिवार और प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। स्टेशन रामपुर में जो इनके SHO और हेड कांस्टेबल पॉजिटिव आए थे, उस कड़ी में जब इनके बाकी पर्सनल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट थे, उनके हमने आज 12 पुलिस वाले लोगों का सैंपल लिया था और 12 के 12 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए इनका टेस्ट यहीं पे किया था, जिसमें 12 में से 9 पॉजिटिव आए, 3 नेगेटिव आए हैं। और जो पॉजिटिव केसेस हैं, इनको हम कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं।